हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 14 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में ओसी के अपनी स्पिरिट दिखाता है। वेल, ये एक फूड टाइप की स्पिरिट होती है जो टूल स्पिरिट में आती है। ओसी के सबको खाना देता है। होंगजोन उससे पूछता है कि क्या ये सारा खाना तुम्हारी स्पिरिट से बना है? ओसी के कहता है कि ये मेरी पावर है। तुम्हें मेरी स्पिरिट बुरी लगी है क्या? इस पर रोरोंग कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट स्पेशल है। ओसी के इमोशनल होकर कहता है कि सिर्फ तुमको ही मेरी स्पिरिट अच्छी लगी है। रोरोंग बाकी सबसे पूछती है कि क्या ओसी के की स्पिरिट अच्छी नहीं है। इस पर सब लोग अपना फेस दूसरी साइड कर लेते हैं। लियेना ओसी के से कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट बाकी सबसे अलग है, क्या तुम स्पिरिट होल ज्वाइन करना चाहोगे? ओसी के कहता है कि मैं बस एक्टर बनना चाहता हूँ। अब टांगसन ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि क्या मैन फेस डीमन स्पाइडर भी इस जंगल में होते हैं? ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो इस जंगल के बहुत अंदर होते हैं, पर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? टांगसन कहता है कि मेरी स्पिरिट आने से पहले मैंने एक मैन फेस डीमन स्पाइडर से फाइट की थी और उसे ब्लाइंड कर दिया था। ग्रैंड मास्टर कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि मैन फेस डीमन स्पाइडर कभी भी अपने एनिमी को नहीं भूलते हैं। वो तुमसे बदला लेने कभी भी यहाँ पर आ सकता है। ग्रैंड मास्टर लुओ सन पाओ को बुलाता है, जिससे उन्हें उस मैन फेस डीमन स्पाइडर की स्मेल दूर से ही मिल जाए। ग्रैंड मास्टर हेडमास्टर को साइड लाकर कहता है कि कुछ टाइम पहले सुयुन ताओ और लियेना श्रेक एकेडमी आए थे। उस टाइम लुओ सन पाओ ने सुयुन ताओ की स्मेल को पहचान लिया था। अब मुझे लगता है कि सुयुन ताओ भी इसी जंगल में है, क्योंकि लुओ सन पाओ को उसकी स्मेल आ रही है। मैं उसका पता लगाने जा रहा हूँ, तुम बाकी स्टूडेंट का ध्यान रखना। अब हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को लेकर जंगल में कोई स्पिरिट ढूंढने लगता है। यहाँ इन पर एक स्पिरिट बीस्ट अटैक कर देता है। ये एक फोनिक्स टेल क्रेस्ट सर्पेंट होता है जो उड़ भी सकता था। टांगसन कहता है कि यह सर्पेंट 1300 से 1800 ईयर्स का होगा। अब सारे स्टूडेंट एक एक करके उस सर्पेंट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चिंग उससे फाइट करते टाइम नीचे गिरने लगती है, तभी बाई उसे बचा लेता है। रोरोंग अपनी स्पिरिट का यूज करके बाई की स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे बाई उस सर्पेंट को पकड़ लेता है। हेडमास्टर ओसीके से उस सर्पेंट की रिंग लेने को कहता है। ओसीके उस सर्पेंट की रिंग लेने लगता है, तभी एक औरत वहां आकर कहती है कि ये सर्पेंट मेरा है। इधर सुयुन ताओ स्टार दुओ जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक ब्लैक स्मोक जैसा क्रीचर वहां आता है और उसे मार देता है। ये स्मोक इंसानों के जैसे बात भी कर सकता था। वो सुयुन ताओ को मारते टाइम कहता है कि जल्दी तुम्हारा टीचर यानी स्पिरिट होल का लीडर भी मारा जाएगा। ग्रैंड मास्टर छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो लुओसन पाओ को उस क्रीचर का पीछा करने को कहता है। आगे वो लेडी हेडमास्टर से कहती है कि मुझे इस सरपेंट की स्पिरिट रिंग लेनी है, तुम किसी दूसरे स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ लो। हेडमास्टर कहता है कि अगर ये स्पिरिट बीस्ट मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगी? वो ओसीके से उस सरपेंट को मारने को कहता है। ओसीके उस सरपेंट को मारकर उसकी पर्पल स्पिरिट रिंग ले लेता है। इससे वो लेडी बहुत एंग्री होती है और उन सब पर अटैक करने लगती है, लेकिन हेडमास्टर उसके सारे अटैक रोक लेता है। वो लेडी हेडमास्टर से पूछती है कि क्या तुम गोल्डन आयरन ट्रायंगल के मेंबर हो? हेडमास्टर कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी जल्दी पहचान लिया। वो लेडी कहती है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती, पर मेरी फैमिली यहीं पर है और वो तुम्हें ज़रूर हराएगी। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। या मैं आपको बता दूँ कि गोल्डन आयरन ट्राइंगल एक टाइम पर पूरे दाउलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल टीम्स में से एक थी। इसका दूसरा मेंबर ग्रैंड मास्टर होता है। इस टीम के बारे में डिटेल से आपको आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। अब टांगसन हेडमास्टर से पूछता है कि क्या आप इस लेडी को पहचानते हैं? हेडमास्टर कहता है कि इसका नाम छाओ तियान शियांग है, इसे स्नेक ग्रैंड माँ भी कहते हैं। इसके पास 7 स्पिरिट रिंग्स है। इसके हस्बैंड का नाम मैंगशु है, जिसके पास 8 स्पिरिट रिंग्स है और उसे ड्रैगन ग्रैंडपा कहते हैं। हेडमास्टर टांगसन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो लेडी अभी यहाँ से गई है उसके साथ उसकी फैमिली भी है, जो हमारे लिए खतरा हो सकती है। इधर ग्रैंड मास्टर उस ब्लैक स्मोक का पीछा करते हुए एक रिवर के पास आता है। इस रिवर में से एक बीस्ट किंग बाहर आता है, जो स्काई ओज्यूर बुल पाइथन होता है। वो ब्लैक स्मोक उस पाइथन से अपने एनिमी को हराने में हेल्प करने को कहता है, पर वो बीस्ट किंग एंग्री हो जाता है। इस कारण ब्लैक स्मोक को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे वो लेडी यानी शियांग अपने हस्बैंड मैंगसू के पास आती है, जो अभी एक जगह पर खड़ा होकर वहाँ से जाने का कहता है। दरअसल इसके सामने दूसरा बीस्ट किंग यानी टाइटन मंकी होता है। यह मंकी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शियांग कहती है कि क्या हम दोनों मिलकर इस मंकी को नहीं हरा सकते?
इस पर मैंगसू कहता है कि बीस्ट किंग को कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे वो टाइटल दाऊल वो ही क्यों ना हो। इधर ओसीके को अपनी नई स्पिरिट रिंग से एक और पावर मिलती है, क्योंकि इसकी स्पिरिट फूड टाइप की है, इस कारण वो सिर्फ खाना ही बना सकता है। अब उसके लंच बॉक्स में एक और फ्रूट ऐड हो जाता है जो फ्लाइंग कीवी होता है। होंगजुन जब उस कीवी को खाता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। ओसीके हेडमास्टर से कहता है कि अब मैं भी आपके जैसे उड़ सकता हूँ। हेडमास्टर कहता है कि अब तुम स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। इस पर ओसीके कहता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं स्पिरिट मास्टर कैसे बन सकता हूँ, अभी तो मुझे एक्टर भी बनना है। यह सुनकर हेडमास्टर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे मेरे फादर का तब होता है जब मैं कहता हूँ कि मुझे डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी है। हेडमास्टर ओसीके को मारने दौड़ता है, लेकिन सारे स्टूडेंट उसे बचा लेते हैं। अब हेडमास्टर सबका पावर लेवल चेक करता है, जिससे उसे पता चले कि कौन कौन अभी स्पिरिट रिंग ले सकते हैं। इसमें टांगसन और शावू का पावर लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जिसे देख हेडमास्टर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही टांगसन ने अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग ली थी। हेडमास्टर सबसे उस जंगल से चलने का कहता है तो टांगसन उसे साइड में लाकर कहता है कि हमें दुगु येन को ढूंढना होगा। हेडमास्टर कहता है कि हम उसे जंगल के बाहर भी ढूंढ सकते हैं, अगर हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकते हैं तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। यह सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी टाइटन मंकी वहाँ आ जाता है। वो सभी को एक एक करके दूर फेंकने लगता है। अब वो शावू को पकड़ने लगता है, लेकिन टांगसन शावू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यह मंकी भी उनका पीछा करता है और टांगसन को बेहोश करके शावू को लेकर वहाँ से चला जाता है। टांगसन को जब होश आता है तो हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को वहाँ से चलने का कहता है। टांगसन शावू को बचाने का कहता है, जिस पर हेडमास्टर कहता है कि यहाँ सब मेरे स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट के लिए बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो मंकी बीस्ट किंग है, उसे हराना नामुमकिन है। अब टांगसन भी उसकी बात मान लेता है, पर वो वहाँ से जाने से पहले अपना कोई सामान ढूंढने को कहता है जो खो गया था। ओसीके और भाई भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। टांगसन ओसीके से एक फ्लाइंग कीवी देने को कहता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। भाई और ओसीके वापस हेडमास्टर के पास आते हैं और टांगसन के शावू को ढूंढने के बारे में बता देते हैं। यह सुनकर होंगजुन कहता है कि टांगसन मेरी फैमिली जैसा है, जब मेरी हेल्प किसी ने भी नहीं की थी तब टांगसन मुझे बचाने आया था, अब उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं यहाँ रहकर उसे अकेले खतरे में नहीं जाने दे सकता। अब ओसीके भाई और चिंग भी टांगसन की हेल्प करने जाने लगते हैं, इस पर हेडमास्टर भी उनके साथ चलने का कहता है। इधर टांगसन कुछ दूर जाकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो बोतल जिसमें ग्रीन स्मोक होता है वो टांगसन के हाथ पर लग जाता है। टांगसन वहाँ से जाने लगता है, तभी मैन फेस डीमन स्पाइडर वहाँ आ जाता है जिसे टांगसन ने ब्लाइंड किया था। टांगसन उससे कहता है कि अभी मेरे पास तुमसे फाइट करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो स्पाइडर टांगसन पर अटैक करने लगता है। इस पर टांगसन कहता है कि अगर तुम मेरी स्पिरिट रिंग ही बनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपने क्लियर स्काई हैमर के एक नॉर्मल अटैक से ही उस स्पाइडर को मार देता है। वो स्पाइडर एक पर्पल रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। टांगसन उसकी रिंग लेने लगता है, तभी ग्रैंड मास्टर वहाँ आ जाता है। वो टांगसन से कहता है कि ये स्पाइडर लगभग 2000 साल का होगा, लेकिन तुम्हारी तीसरी रिंग की लिमिट 1700 साल है, अगर तुम इस रिंग को लेते हो तो तुम्हारे मरने के चांस ज़्यादा है। टांगसन कहता है कि मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो रिंग लेने लगता है, तभी मैंगसू और शियांग भी वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ उनकी डॉटर भी होती है, जिसके चेरी ब्लॉसम को देखकर टांगसन जान जाता है कि यह लड़की ही दुगु येन है। मैंगसू टांगसन से कहता है कि तुम्हें ये रिंग नहीं लेनी चाहिए, इससे तुम्हें खतरा है, अगर ये रिंग तुम मुझे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें कोई दूसरी रिंग दे दूंगा जो तुम्हारे लिए ठीक होगी। टांगसन कहता है कि इस स्पाइडर को मैंने मारा है, फिर इसकी रिंग तुम कैसे ले सकते हो। मैंगसू कहता है कि मेरे पास इसका एक तरीका है। टांगसन कहता है कि मैं तुम्हें यह रिंग दे दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। मेरे एक फ्रेंड को टाइटन मंकी पकड़ के लेके चला गया है, तुम्हें उसे बचाना होगा। मैंगसू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि टाइटन मंकी से आज तक कोई भी फाइट नहीं जीत पाया है। इस पर टांगसन वो रिंग ले लेता है। रिंग लेते ही टांगसन नीचे गिर जाता है और एक अलग डायमेंशन में आ जाता है। इस बार इस डायमेंशन में टांगसन को फिर से वो फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो टांगसन का नाम लेती है। टांगसन की पूरी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। दुगु येन टांगसन का हाथ चेक करती है तो वो ग्रीन स्मोक जो टांगसन के हाथ पर गिरते टाइम लगा था दुगु येन की बॉडी में चला जाता है। शियांग ग्रीन स्मोक को देख लेती है। वो मैंगसू को इस बारे में बताती है। मैंगसू दुगु येन से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है। इस पर दुगु येन मना करती है। मैंगसू शियांग से कहता है कि तुम्हें बस आंखों का धोखा हुआ होगा। इधर टाइटन मंकी शावू को लेकर जा रहा होता है। शावू उसे मारती है और कहती है कि तुमने टांगसन को क्यों मारा।
अब हमें पता चलता है कि शावू और टाइटन मंकी अच्छे फ्रेंड है। वहीं टांगसन की बॉडी पूरी तरह से एक ककून में बंद हो जाती है। उसकी आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है। शावू टाइटन मंकी से कुछ पावर लेती है जिससे उसे एक पर्पल स्पिरिट रिंग मिल जाती है। वो वहां से जाने लगती है तो टाइटन मंकी भी उसका पीछा करने लगता है। शावू उसे पीछा ना करने का कहती है और वहां से चली जाती है। इधर मैंगसू, शियांग, ग्रैंड मास्टर और दुगुयान टांगसन के ककुन से बाहर आने का वेट करने लगते हैं। शियांग कहती है कि इसके बचने के कोई भी चांस नहीं है। तभी टांगसन उस ककुन से बाहर आ जाता है, पर अब वो आधा स्पाइडर बन चुका था। मैंगसू उसे मारने लगता है। तभी हेडमास्टर वहां आ जाता है और मैंगसू को अटैक करने से मना करता है। टांगसन वहां से जाने लगता है तो बाई, ओसीके और होंगजुन उसे रोकने लगते हैं। बाई और होंगजुन टांगसन को पकड़ लेते हैं और ओसीके को भी उनकी हेल्प करने को कहते हैं। ओसीके पूरी पावर लगाकर उसे रोकने लगता है। बाई कहता है कि पागल, पहले देख तो ले तूने पकड़ा किसको है। ओसीके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो टांगसन की जगह बाई को पकड़े हुए था। वेल, इस ड्रामा में ऐसे कई सीन है जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ग्रैंड मास्टर सबसे कहता है कि टांगसन की बॉडी पर स्पिरिट बोन लग चुकी है। अगर हमें उसे बचाना है तो उसकी स्पिरिट बोन को हटाना होगा। हेडमास्टर कहता है कि इससे टांगसन कभी भी स्पिरिट रिंग नहीं ले पाएगा। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, यही कारण है कि मैं भी कभी अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग नहीं ले पाया, पर अभी टांगसन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी टांगसन शावू का नाम लेता है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि शायद टांगसन अपनी स्पिरिट कंट्रोल कर रहा है। अब टांगसन वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और बाकी सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। टांगसन शावू के पास आता है पर टाइटन मंकी उस पर अटैक कर देता है। शावू उसे अटैक करने से मना करती है। तभी ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर भी वहां आ जाते हैं। शावू पूछती है कि टांगसन को क्या हुआ है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि टांगसन ने अपनी पावर लिमिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग ले ली है, इस कारण उस पर स्पिरिट बोन यानी स्पाइडर के पैर लग चुके हैं। इधर एक लड़की बाई पर अटैक कर देती है। यह चिंग की बड़ी सिस्टर होती है। इसके पास दो येलो और दो पर्पल स्पिरिट रिंग भी होती है। वो बाई को बेहोश कर देती है और चिंग को अपने साथ चलने का कहती है। चिंग पूछती है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली। इस पर उसकी सिस्टर एक इंसेक्ट दिखाती है जो चिंग की लोकेशन बता रहा था। अब हेडमास्टर टांगसन के स्पिरिट बोन को हटाने लगता है। शावू कहती है कि हम टांगसन की स्पिरिट पावर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब तक कोई भी स्पिरिट मास्टर ऐसा नहीं कर पाया है। आगे चिंग की सिस्टर कहती है कि भाई जल्दी ही मर जाएगा। ये सुनकर चिंग कहती है कि तुमने इसको क्या किया है। चिंग की सिस्टर कुछ भी बताने से मना करती है। तभी भाई को होश आ जाता है। वो चिंग के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चिंग की सिस्टर कहती है कि भाई को क्या हुआ है, वो मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। ये सुनकर भाई चिंग से कहता है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। अब चिंग की सिस्टर वो इंसेक्ट वापस चिंग पर लगा देती है और वहां से चली जाती है। आगे शावू टाइटन मंकी की हेल्प से ग्रैंड मास्टर व हेडमास्टर को बेहोश कर देती है और टांगसन की उस पावर को लेने लगती है जिससे टांगसन स्पाइडर बना था। टांगसन शावू पर अटैक भी करता है लेकिन शावू पावर लेना बंद नहीं करती। कुछ टाइम बाद टांगसन ठीक हो जाता है, पर ये दोनों ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब होंगजुन और ओसीके उनके पास आते हैं, लेकिन ये चारों यानी ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर, शावू और टांगसन वहीं बेहोश पड़े होते हैं। तभी वहाँ मैंगसू और शियांग भी आ जाते हैं। मैंगसू जब टांगसन की बॉडी चेक करता है तो वहाँ स्पिरिट बोन नहीं होते। मैंगसू उसे मारने का कहता है क्योंकि टांगसन अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। भाई भी वहाँ आ जाता है और मैंगसू से कहता है कि पहले आपको हेडमास्टर के होश में आने का इंतज़ार करना होगा क्योंकि टांगसन श्रेक अकेडमी का स्टूडेंट है। मैंगसू कहता है कि अगर हम इसे अभी छोड़ देते हैं तो ये भाग जाएगा। इस पर रोरोंग कहती है कि मेरे फादर निंग फेंग जी है, तुम टांगसन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। मैंगसू कहता है कि क्या तुम सेवन ट्रेजर ग्लेस टाइल क्लैन के लीडर की बात कर रही हो। रोरोंग कहती है कि वो मेरे फादर हैं। तभी टांगसन को होश आ जाता है। मैंगसू भी उसे देख समझ जाता है कि टांगसन अब नॉर्मल हो चुका है। टांगसन कहता है कि शावू को हार्म किसने पहुंचाया। इस पर ओसीके कहता है कि तुमने ही उसे स्पाइडर बनने के बाद हार्म पहुंचाया था। यह सुनकर टांगसन को बहुत बुरा लगता है। वो शावू को सराय में ले आता है और उसकी केयर करने लगता है। ग्रैंड मास्टर उसे अपने साथ सराय के बाहर चलने का कहता है जहाँ मैंगसू और शियांग आए होते हैं। मैंगसू टांगसन की बॉडी फिर से चेक करता है और पूछता है कि तुमने अपनी स्पाइडर वाली स्पिरिट को कैसे हटाया। टांगसन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैंगसू उसे उसकी स्पिरिट रिंग दिखाने को कहता है। टांगसन अपनी रिंग दिखाता है जिसमें अब एक पर्पल रिंग भी ऐड हो चुकी थी।
शियांग टांगसन से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में से जो ग्रीन स्मोक निकला था वो क्या था। टांगसन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। इस पर शियांग और मैंगसू वहाँ से चले जाते हैं। टांगसन पूछता है कि अभी मैंगसू किस बारे में बात कर रहा था। ग्रैंड मास्टर कहता है कि जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारे हाथ में से कोई स्मोक दुगुयान की बॉडी पर चला गया था। अब टांगसन को याद आता है कि ये वही स्मोक है जो गिरते टाइम उसके हाथ पर लगा था। वो इस बारे में मैंगसू को बताने जाता है, पर तब तक मैंगसू वहाँ से जा चुका था। टांगसन इस बारे में ग्रैंड मास्टर को बताता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि उस बोतल में पॉइजन था, लेकिन काफ़ी अजीब बात है कि उसका तुम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। टांगसन पूछता है कि आप सुयुन ताओ को ढूंढने गए थे, उसका क्या हुआ। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो मर चुका है, उसे किसी ब्लैक स्मोक वाले क्रीचर ने मारा है। अब हम भाई को देखते हैं जो मार्केट में आया होता है। लियेना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते। भाई वहाँ से जाने लगता है तो लियेना अपने लॉकेट की हेल्प से भाई को हिप्नोटाइज करने लगती है। तभी चिंग वहाँ आती है और लियेना को पकड़ लेती है। भाई भी अब ठीक हो जाता है। लियेना चिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि भाई तुमसे बिलोंग करता है, पर मैं बस उसे अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। भाई कहता है कि अगर आगे से तुमने अपने स्पिरिट का यूज़ मुझ पर किया तो तुम अपनी मौत को दावत दोगी। आगे टांगसन शावू के लिए मेडिसिन लेने मार्केट आया होता है, तभी च्यू उसके पास आता है। इसी के साथ एपिसोड 15 एंड 16 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। शिये शिये शोकान।